आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एरोजन। ऑप्शन ए हीलियम, नियॉन, आर्गन। ऑप्शन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ऑप्शन सी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड ऑप्शन डी इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड एंटीमनी। सो अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखें तो जो हमारी सारी गैसेज हैं, ये सारी जो ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो हमारे एयर में ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे अगर हम ऑप्शन बी में देखें तो जो मेरा ब्रोमीन होता है वो मेरा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, सो ये मेरा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे ही अगर हम सी ऑप्शन में देखें तो जो ये मेरा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो मेरा एयर में परसेंटेज होता है वो मेरा 21% होता है, बट जो मेरा सेलेनियम होता है वो सेलेनियम मेरा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में हमारा 78% ये मेरा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ये सारी 78% मेरा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, बाकी फॉस्फोरस मेरा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता। अगर वहीं मैं आर्गन की बात करूं तो आर्गन मेरा 0.9% हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो एरोजन का मतलब होता है कि वो गैसेस जो कि हमारी एयर में प्रेजेंट होती हैं। सो जो मेरी हीलियम, नियॉन और आर्गन है, ये तीनों ही गैस मेरी एरोजन है। एरोजन क्यों है? क्योंकि ये मेरी एयर में प्रेजेंट होती हैं। These gases are present in air, so these gases called erosion. ये गैसेस मेरी एयर में प्रेजेंट होती हैं, इसी वजह से इन गैसेस को एरोजन बोला जाता है। बाकी अगर हम बी, सी और डी ऑप्शन में देखें तो उसमें हमारे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट नहीं होते, बट जो ऑप्शन ए है वो तीनों ही गैसेस मेरी एयर में प्रेजेंट होती हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।